दोस्तों, खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आज का हार शायद कई वर्षों तक भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ हार नहीं विश्व कप फाइनल की हार है। इस हार की सबसे बड़ी वजह रही युवराज सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और महान सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी न होना। ये सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, ये पार्ट टाइम गेंदबाज भी थे, और ये पार्ट टाइमर गेंदबाज बड़ी मैच में बड़ी भूमिका भी निभाते थे। लेकिन आजकल भारतीय टीम में ये कमी साफ दिखाई देती है, छठवें और सातवें गेंदबाज नहीं है, और है भी तो भारतीय टीम उनका इस्तेमाल ही नहीं करती। भारतीय टीम के पास मौजूदा समय में विराट कोहली बल्लेबाजी के बाद ठीक ठाक गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन भारतीय टीम उन पर भरोसा ही नहीं दिखलाती। जब भी भारतीय टीम के तरफ से विराट कोहली को गेंदबाजी मिली है, तब तब विराट कोहली विकेट जरूर निकालते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम को देख लीजिए, उनके पास ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में गेंदबाजी मिलने पर मैच का पासा ही पलट दिया। न्यूजीलैंड टीम को देख लीजिए, उनके पास इस विश्व कप में ग्लेन फिलिप्स जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने विश्व कप के कई मैचों में शानदार गेंदबाजी की। अर्थात भारतीय टीम को विचार करना होगा कि उनके पास टॉप पांच में कम से कम एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए जो गेंदबाजी भी कर ले, और उनसे भारतीय टीम को लगातार गेंदबाजी भी करवानी चाहिए, जैसे पहले युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना करते थे। अन्यथा हम विकल्प के अभाव में ऐसे ही बड़े मंच पर पिछड़ते रहेंगे, जैसा हार्दिक पांड्या के गैर मौजूदगी में हमारे पास सातवां बल्लेबाज और छठवां गेंदबाज नहीं था।